नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नीरी सिरप के बारे में। इसके बारे में दोस्तों सारा कुछ जानकारी देंगे कि जो प्रोडक्ट किस कंपनी की आती है, इसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और उसके यूजेस के बारे में, साइड इफेक्ट्स के बारे में कंप्लीट जानकारी आज आपको हम देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जो ये नीरी सिरप आती है ये दोस्तों AIML फार्मा की आती है और दोस्तों ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है। और इसके प्राइस की बात करें तो दोस्तों इसकी प्राइस रहती है वो 259 यानी कि 259 रुपये इसकी प्राइस रहती है। और क्वांटिटी की बात करें तो इसकी जो क्वांटिटी है वो 200 ml इसकी क्वांटिटी रहती है। और दोस्तों इसके अंदर बहुत सारे आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि इसके अंदर डले हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके अंदर बेसिकली ये सारे आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स हैं जिनका अपना अलग अलग काम होता है। और दोस्तों ये जो सिरप है बहुत ही इफेक्टिवली सिरप है, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है इस सिरप का। और ये साइंटिफिकली प्रूवन और हाईएस्ट क्वालिटी हर्ब्स इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स के रूप में डले हुए हैं, जिसका बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट मिलता है दोस्तों। और इसके यूजेस के बारे में बात करें दोस्तों तो इसकी जो मेन यूजेस है वो आपके किडनी में अगर स्टोन हो तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये किडनी के फंक्शन को इम्प्रूव करता है और इस तरह से किडनी में जो स्टोन होती है, पथरी की प्रॉब्लम होती है, तो उसमें ये बहुत ही इफेक्टिवली काम करता है। और इसके साथ साथ दोस्तों ये डाइस्यूरिया जिसको बोलते हैं, जिसको हम पेनफुल यूरिनेशन यानी कि पेशाब में अगर जलन की प्रॉब्लम होती है तो उसमें भी नीरी सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके साथ दोस्तों जो बर्निंग मिक्चुरेशन की जो प्रॉब्लम होती है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं उस कंडीशन में। और दोस्तों इसके साथ साथ ये जो UTI होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उसमें भी ये बहुत ही इफेक्टिवली काम करता है। तो दोस्तों इस तरह की जो भी किडनी से जुड़ी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, बहुत अच्छा रिजल्ट इस नीरी सिरप का देखा जाता है। और दोस्तों अब बात करते हैं इसके डोज के बारे में, किसको कितना लेना चाहिए कितना नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो इस सिरप का इस्तेमाल आप डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन पर ही करें, क्योंकि ये प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन है और ख़ुद से इसका डोज ना कैलकुलेट करें, आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उसके बाद ही आप इस सिरप का इस्तेमाल कीजिए। और फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता देता हूँ दोस्तों कि चिल्ड्रंस में ये एक चम्मच से लेकर के 1.5 चम्मच 2 से 3 टाइम दिन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या अपने डॉक्टर के सलाह के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और एडल्ट्स के लिए दोस्तों इसको 2 टीस्पूनफुल यानी कि 2 चम्मच दिन में 2 से 3 बार या डॉक्टर के सलाह के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें तो इसकी कोई मेन साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, लेकिन दोस्तों आप डॉक्टर की सलाह के हिसाब से, जैसा डॉक्टर आपको एडवाइस करे उसी हिसाब से आप इसका यूज़ करेंगे तो कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने वाले को नहीं मिलेगा। सो फ्रेंड्स, ये था नीरी सिरप का रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं अपने चैनल पर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर के आता रहता हूँ। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।